लैंगिक कमजोरी ठीक करने के लिए 9 घरेलू उपचार, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लैंगिक कमजोरी, साइकोजेनिक इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस, सेक्सुअल वीकनेस, ऐसे अलग अलग नाम से बीमारी जानी जाती है। करीब करीब 1 करोड़ भारतीय हर साल में इससे ग्रस्त हो जाते हैं। 60 से 65% लोग पुरुष वर्ग कभी ना कभी उनके जीवन में ये प्रॉब्लम से ग्रस्त रहता है। तो ये जानना जरूरी है कि इसका इलाज कैसे करेंगे या ये होगा ही नहीं, इसके बारे में हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं, या हो गया तो फिर क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं। तो घरेलू उपचार कौन से हैं? तो नंबर एक, आप देखो कि आप यदि सिगरेट पीते होंगे तो सिगरेट पीना बिल्कुल पहले बंद करना चाहिए, सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए। सिगरेट से बहुत कॉमन है, सिगरेट स्मोकर को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, नंबर एक। नंबर दो, यदि आप मोटे हैं, ओबेसिटी ज़्यादा है, वजन कम करो। वजन कम करना बहुत ही जरूरी है, वजन आप कम करेंगे तो फायदा हो जाएगा। ओबेसिटी है, काफ़ी सारा फैट है, पेट के ऊपर फैट जमा है। नंबर तीन, रोज एक्सरसाइज करो ताकि आप फिटनेस रहेंगे, आप कोई प्रॉब्लम मेडिकल कंडीशन नहीं रहेंगी, हल्का ही रहेंगी और आप फिट रहेंगे। तो रोज फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। नंबर चार, अल्कोहल बिल्कुल बंद करना चाहिए, अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए। अल्कोहल बंद करेंगे तो बहुत फायदा होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, इरेक्टाइल में होगा ही नहीं। नंबर पाँच, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होना जरूरी है अपने पार्टनर के साथ में। रिश्ते यदि अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, एक दूसरे को समझना, जानना, पहचानना, एक दूसरे के दुनिया में जाना, एक दूसरे से बहुत ही पक्के रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। छठवा, डायबिटीज़ होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। तो मीठा जितना कम खाना है या बंद करना है, मीठा कम खाना बंद करना चालू करो, या कार्ब्स कम करो, जितना ज़्यादा प्रोटीन फैट खाएंगे उतना अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स बंद करना जरूरी है। ये हो गया छठवा। सातवां, नींद, 7 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी है, 7 से 8 घंटा नींद। यदि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है तो 8 घंटा लेना जरूरी है। आठवां, मेडिटेशन रोज करो। आप मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी करते हैं रोज, सेल्फ हिप्नोसिस, तो आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन कम होगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नौवां जो है कि आपके जो बिलीफ्स है, बिलीफ्स मतलब अंधविश्वास या विश्वास, तो वो निकालना जरूरी है, उसके लिए मेरे वीडियो देखो। अंधविश्वास या विश्वास लोगों के कौन से है, हस्तमैथुन से ऐसा होता है, फिर सपने में गिरे जाने से ऐसा होता है, लिंग छोटा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या मुझे कोई सेक्स की प्रॉब्लम है ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे बिलीफ्स है कि उनको लगता है कि उसके वजह से मेरे को लैंगिक कमजोरी आई है। वो यदि बिलीफ आप निकाल देंगे तो ये होगा ही नहीं। तो ये 9 जो है वो नेचुरल रेमेडीज है, बिना गोली, बिना दवाई का। तो ये आप लेते हैं तो आपको एक तो होगा ही नहीं, या हुआ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। लोग शेयर करते नहीं हैं, लोग अपने तरफ ही लगते हैं, लोगों को पूछते नहीं कि मैंने क्या करना चाहिए, और फिर अपने मन से कुछ तो भी दवाई लेते रहते हैं और बीमारी ज़्यादा ज़्यादा करते रहते हैं। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आपको यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कॉल करो। हमारा ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करो, वहाँ आप सवाल जवाब कर सकते हैं। वहाँ सेक्स फिट नाम की वीडियो, वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।